हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन इस सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है। नोटिफिकेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ठीक है। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको टैप करना है, तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन ऑफ होगी, ठीक है, इस तरीके से ऑफ होगी ना, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर आएगा तो आपका जो मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है ना, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही ऑन हो जाएगी। तो जितनी बार आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आएंगे उतनी बार आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना, इस तरीके से काम करती है आपकी वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग इनेबल करने के बाद, ठीक है। अब मैं आपको है ना, इस सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है ना, आपको इसे फिर से ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सेटिंग का नेम। यहाँ पर आप टाइप कीजिए वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है आपको वही टाइप करना है आपको यहाँ पे इस तरीके से। तो आपको जो है ना, नीचे की साइड में ना एक ऑप्शन शो हो जाएगा वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको ना एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना, तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाता है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।